गाइस मैं एक ड्रोन बना रहा हूँ जो अगले वीडियो से शुरू होगा, जो दो वीडियो के सीरीज में होगा। अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो मेरा पहला चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए हर समय इस माइक्रोफोन का उपयोग करता हूँ। ये एक डिजिटल माइक्रोफोन है और मैं ज़रूर कहूँगा कि ये माइक्रोफोन बहुत ही अच्छी तरह से वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि मुझे उम्मीद थी। सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बहुत ही महंगा है। आज मैं एक माइक्रोफोन बनाने की कोशिश करूँगा ठीक इसके जैसा, और मुझे पूरा यकीन है कि ये कमर्शियल माइक की तरह ही काम करेगा। वॉइस को फिल्टर करने के लिए यहाँ मैंने 3 पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया है, जो आपको डिफरेंट प्रकार का पोटेंशियल वैल्यू ट्यून करने की ऑप्शन देती है। एज ए रिजल्ट आप एक ब्यूटीफुल साउंड वेव रिकॉर्ड कर पाएंगे। आइए एक नज़र डालते हैं कि ये होममेड माइक्रोफोन कैसे काम करते हैं। अब क्वेश्चन है, साउंड वेव का पोटेंशियल वैल्यू बदलना कैसे संभव हो सकता है? इस माइक्रोफोन को पावर देने के लिए आपको अपने पीसी या लैपटॉप से यूएसबी केबल कनेक्ट करना होगा, और मैं इस इनपुट सिग्नल जैक को जोड़ना नहीं भूलूंगा क्योंकि ये एक एनालॉग माइक्रोफोन है। यह तक कि आप साउंड डीबी को मापने के लिए 5 एलईडीज व्यू मीटर देख सकते हैं। वैसे मुझे लगता है ये वुडन बॉक्स भी देखने में बुरा नहीं है। वैसे तो मैं वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए ऑडासिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग करता हूँ। ये फ्री सॉफ्टवेयर है और यह आपको वेरियस ऑप्शन मिलेगा जो उपयोग करने के लिए बहुत ही कम्फर्टेबल है। चलिए आप कुछ वॉइस रिकॉर्ड करके देखते हैं। सबसे पहले मैं सभी को कहूंगा घर पर रहे और सुरक्षित रहे। ये पहला पोटेंशियोमीटर है जो वॉल्यूम को कम या बढ़ाने में काम आते हैं, और आप देख रहे हैं ये काम कर रहा है जैसे कि मुझे उम्मीद थी। यदि आपको लगता है ये गेन बहुत ही हाई है, तब आप इस पोटेंशियोमीटर को घटा के आपका गेन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगला पोटेंशियोमीटर बेस कंट्रोलर है, और आप इसे लो पास फिल्टर भी कह सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। नंबर 3 पोटेंशियोमीटर ट्रेबल को कंट्रोल करने के लिए है। जांच का प्रक्रिया कंप्लीट हुआ है और आप देख सकते हैं कि साउंड क्वालिटी खराब नहीं है, और ये वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए मेरे हिसाब से सही है। और दोस्तों, हिंदी मेरा भाषा नहीं है तो कृपया मुझे कंसीडर कीजिएगा। ओके, बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। ये कैसे काम कर रहा है, आइए थोड़ा समझते हैं। यहाँ मैंने साउंड को कैच करने के लिए एक कंडेंसर माइक्रोफोन का उपयोग करूंगा। एक कंडेंसर माइक्रोफोन की अच्छी बात यह है कि ये कंडेंसर माइक्रोफोन साउंड को एक ही दिशा में पकड़ता है और बहुत ही लो पिच साउंड को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हर माइक्रोफोन में 2 पिन होते हैं, एक ग्राउंड है और दूसरा सिग्नल आउटपुट है। ओके, एक उदाहरण के रूप में देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले माइक को एक्टिव करने के लिए 3.7 वोल्ट पावर सोर्स को 1K करंट लिमिटिंग रेजिस्टर से माइक में कनेक्ट करूंगा, और उसके साथ मैंने 0.1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर अटैच करूंगा आउटपुट सिग्नल के लिए। इसके बाद मैंने अपने ऑसिलोस्कोप के साथ इस माइक्रोफोन के आउटपुट सिग्नल को जोड़ दूंगा, और देखिए जब मैंने माइक्रोफोन पर टैपिंग कर रहा हूँ तभी मेरा ऑसिलोस्कोप में मुझे साउंड वेव दिखा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से ये सिग्नल बहुत ही वीक है, ये किसी भी फोन और किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर भी आप साथ में कोई भी कंपोनेंट के बिना, यदि आप ओनली माइक के मदद से साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तब आपके आवाज बहुत ही कम आवाज और नॉइस में रिकॉर्ड होगा। As you can see, the sound quality is not good. This is not acceptable for voice recording. क्योंकि पीसी इनपुट गेन बहुत ही हाई है और माइक साउंड कैप्चर कैपेबिलिटी बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए यहाँ मुझे माइक्रोफोन सिग्नल को एम्पलीट्यूड करने की आवश्यकता है। आपने शायद देखा होगा आमतौर पर ट्रांजिस्टर को सिग्नल एम्पलीफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन ब्यूटीफुल वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए ऑपएम्प का उपयोग करना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ डेफिनेटली ऑपएम्प का उपयोग करूंगा ब्यूटीफुल वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, जो सिग्नल मेरा कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन एक्सेप्ट करेगा। इस काम के लिए मैंने यहाँ LM358 ऑपएम्प का उपयोग करूंगा। ये एक डुअल ऑपएम्प है। अभी अगर मैं ऑपएम्प के बारे में एक डिस्क्राइब करता रहूं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। बस याद रखना कि ऑपएम्प का काम है लोअर सिग्नल को हायर एम्पलीट्यूड सिग्नल में बदलना। अपने प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने लिए एक सर्किट बनाया है, और इसी डायग्राम के अनुसार मैंने चेकिंग पर्पज के लिए इस ब्रेडबोर्ड पर इस सर्किट को बनाया है। इसके बाद दोबारा मैंने अपने ऑसिलोस्कोप के साथ ऑपएम्प के आउटपुट सिग्नल को जोड़ दूंगा, और देखिए इस बार सिग्नल ठीक से एम्पलीट्यूड हो रहा है और 3 वोल्ट पीक टू पीक हो रहा है। दैट्स ग्रेट। और उसके बाद मैंने अपने इनपुट सिग्नल को अपने बूम बॉक्स से जोड़ दूंगा। As you can see, this microphone's output gain is very high, and I hope it will work very well for my recording purpose.
और देखिए ये ठीक उसी तरह से काम कर रहा है जिसके मुझे उम्मीद थी। दोस्तों इस आईसी से बेस ट्रेवल भी कंट्रोल होगा। यदि आप इस सर्किट को ध्यान से देखें तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। डायग्राम डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज नोट गाइस, मार्केट में उपलब्ध 50% माइक आमतौर पर डुप्लीकेट होते हैं। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको एक ओरिजिनल माइक की आवश्यकता है। ओरिजिनल माइक्रोफोन के अंदर एक छोटा सा ट्रांजिस्टर आपको मिल जाएगा, लेकिन फेक माइक्रोफोन पर आपको कोई भी ट्रांजिस्टर नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिए। वीडियो के शुरू में 5 LED व्यू मीटर शायद आपने देखा होगा, जिसका उपयोग मैंने साउंड वेव को मापने के लिए किया। मैंने साउंड को डीबी मापने के लिए मैंने यहाँ 1409 आईसी का उपयोग किया था, जो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है साउंड का डीबी समझने के लिए। मुझे नहीं पता कि यह डीबी मेजरमेंट के केस में ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं, लेकिन आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ओके चलिए लाइट इफेक्ट का मजा लेते हैं। ओके गाइस, एज यू कैन सी द एलईडी व्यू मीटर इज रेडी एंड द लाइट इफेक्ट इज रियली प्रीटी गुड एंड आई यूज दिस एलईडी व्यू मीटर एज अ साउंड मेजरिंग डीबी मीटर। आई डोंट नो इट इज वर्क प्रॉपरली एज अ डीबी मीटर और नॉट, बट द लाइट इफेक्ट इज लुक लाइक प्रीटी ऑसम, एम आई राइट? इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने DLPCB बोर्ड पर एक सर्किट बनाया है। इसे बनाने में मुझे लगभग 2 घंटे लगे। आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड के अंदर 2 ट्रांजिस्टर है, जिनके बारे में अभी तक मैंने कोई भी जानकारी आपको नहीं दी। इन 2 ट्रांजिस्टर का काम है DBIC को एम्पलीट्यूड सिग्नल देना, और दूसरा काम यह है कि आउटपुट सिग्नल ड्रॉप ना हो। एज ए रिजल्ट आप एक ब्यूटीफुल वॉइस रिकॉर्डिंग का मजा ले पाएंगे। ओके चलिए, अब एक सुंदर सा बॉक्स बनाने की समय आ गया है। मैंने इस बॉक्स का नाम मैजिक बॉक्स रखा है। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स आप किसी भी साइड से खोल सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस बॉक्स को दोबारा असेंबल भी आसानी से कर सकते हैं। मैंने इस थिन वुड से ये बॉक्स बनाया। ये वुड बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जो काटने में आसानी होते हैं और देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। आप कोई भी वुड से ये बॉक्स बना सकते हैं। बॉक्स को ठीक से बनाने के बाद खूबसूरत दिखने के लिए आप सैंड पेपर से इस बॉक्स को पॉलिश कीजिए। इस बॉक्स को कंप्लीट करने के बाद मैंने हर एक कंपोनेंट को सही जगह पर सेट किया। ये कंडेंसर माइक्रोफोन बहुत सेंसिटिव होता है और इसीलिए ये बैड नॉइज बहुत जल्दी पकड़ लेता है। इसीलिए मैं आपको कहूंगा इनपुट और आउटपुट के लिए ग्राउंड आइसोलेशन वायर का उपयोग कीजिए। और गाइस मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं थे, इसलिए मैंने 3D प्रिंटर का भी उपयोग किया है, जो मेरे माइक को 360 डिग्री पर मूवमेंट करने के लिए है। फाइन ट्यून करने के लिए मैं अपने माइक्रोफोन को कॉटन कैप से कवर कर दूंगा। मैंने यह खराब हेडफोन कोयर को आउटपुट केबल के रूप में इस्तेमाल किया है, और पावर सोर्स के लिए मैंने USB केबल का तार उपयोग किया है। इसके मदद से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या 5V फोन एडेप्टर से पावर ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, और मुझे ये भी उम्मीद है इस वीडियो से आप ज़रूर कुछ सीखे होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका आंसर दे दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पर। सेफ रहिए।